मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम टू यू इन एसेंट ऑनलाइन क्लासेस। अपना जो फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट है इसके लिए रिवीजन वर्क है जो आज करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आएंगे? सबसे पहले है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्यू है जो जीरो के इक्वल नहीं हो, उन नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर। दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे जैसे 3/4, 4/8 ऐसे। नेगेटिव हो जाएंगे जैसे -4/5, -2/4 जैसे। फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इन्हीं को मिनिमाइज करके लिखना, यानी क्या होगा, 25 डिवाइडेड, पहले एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 5, 25 और 60 का, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, तब आ जाएगा कितना, 5/12। फिर कंपैरिजन। कंपैरिजन में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू का पता चलता है। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8/4 = 32, 5/3 = 15, तो 32 है जो 15 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8/5 है जो 3/4 से ग्रेटर है। आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर के इनको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। फिर बाद में है जो, जैसे ये है 7/4, 9/32, 15/16, 1/8, तो इसमें एलसीएम लिया तो आया 32। फिर इनका डिनोमिनेटर सबको है जो 32 बना दिया। फिर बाद में क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े के फॉर्म में लिख देंगे, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की फॉर्म में लिख देंगे। फिर आता है एडिशन। एडिशन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर के फिर है जो इनकी फ्रैक्शन ऑफ एडिशन करेंगे, जैसे ये है 1/5, 3/10, 2/15, तो इसमें एलसीएम आएगा 30, तो एलसीएम आ जाएगा 30। 30 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम। तो पहले 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को 3 से, और 2 को 2 से, तो आ जाएगा 6+9+4, यानी आ जाएगा 19/30। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो यही जो है, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा। और जो एक्सरसाइज करवा रखी है, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर, वो कम्प्लीटली आएगा। उसी में से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। टाइमिंग जो स्कूल के अकॉर्डिंग है, वो मतलब 1 घंटे का दिया जाएगा। फिर उसमें आपको पूरा कम्प्लीटली पेपर को सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, फिर उसको भेजना है हमारा। थैंक यू।